Hello friends, welcome to the ISNA E-Med Club classes. Today we will discuss about rodents. First we will discuss about what is rodent. The word rodent has derived from the Latin word rodere, which means to gnaw. जो rodent word है इसको Latin word rodere से derived किया गया है. Rodere का meaning होता है to gnaw. Gnaw मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे चूहा होता है वो कोई भी चीज़ कुतर देता है, छोटे छोटे parts में उसको काट देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, gnaw बोलते हैं. Rodents are mammals with more than 2050 species and rodent can be found everywhere. They are extremely diverse. जो rodents होते हैं ये mammals होते हैं, ये something जो है वो 2050 more species में होते हैं, मतलब इसकी जो species है वो more than 2050 हैं. Rodents जो होते हैं ये हर जगह मिलते हैं और इनका जो ये जो पाए जाते हैं इनके जो बहुत diversity है इनकी, अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं. They can adapt to any environment and lifestyle. जो rodents होते हैं ये कोई भी environment को adapt कर सकते हैं, कोई भी lifestyle को adapt कर सकते हैं. घरों में रह के जैसे चूहे होते हैं वो सारी चीज़ें काट देते हैं, तो उनको कोई भी lifestyle की या फिर कोई भी environment को adapt करने की requirement नहीं होती. ये कहीं पे भी जहाँ पे भी छोटी चीज़ भी पड़ी होगी खाने पीने से रिलेटेबल, तो उसको ये काट देते हैं. इवन अ मैन मेड environment, ये कहाँ पे भी मिलते हैं, ये जो मैन मेड environment होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं. Rodents are the largest group of mammals. जो rodents होते हैं ये largest group है mammals का. Not only then the constitute about half of the mammalian species. ये क्या करते हैं, ये ना कि जो mammalian species है उसका half portion cover करते हैं. The majority of non-flying mammals are rodents. बल्कि क्या है, जो more than क्या है, non-flying जो mammals होते हैं उसका ये majority parts क्या contain करता है, rodents contain करता है. Rodents animal not only include mice but also rat, squirrel, porcupines and the guinea pigs, hamster and beavers. जो rodents होते हैं ये ना कि केवल mice जो है उसको include करते हैं. Rodents animals not only include mice but also rats, squirrels, porcupines, guinea pigs, hamster and beavers. जो rodent animals होते हैं वो ना केवल mice को include करते हैं but also ये किसको include करते हैं, rats जो हो गए उनको इसको include करते हैं, squirrels जो हो गए उनको include करते हैं, porcupines जो होते हैं उनको भी include करते हैं, guinea pigs, hamster और beavers को भी ये include करते हैं. थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ रोडेंट्स आर माइस, स्क्वेरल एंड कैबी लाइक रोडेंट्स. जो थ्री मेन कैटेगरीज होती हैं रोडेंट्स की वो क्या है, माइस हो गया, स्क्वेरल्स हो गया और जो कैबी लाइक रोडेंट्स होते हैं वो हो गया. दे यूज़ देयर शार्प इंसीजर टू एग्जावेट ब्यूरोज एंड डिफेंड देमसेल्फ. ये क्या करते हैं, इनका जो एक टीथ होता है वो क्या रहता है, वो एकदम शार्पन टीथ रहता है, वो अपने आप को उनका डिफेंड करने के लिए वो टीथ्स होते हैं. मोस्ट ऑफ दैम आर हर्बीवोरस. जो रोडेंट्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कैसे रहते हैं, हर्बीवोरस मतलब वो हर्ब्स को खाते हैं. दे फीड ऑन प्लांट मटेरियल एंड सीज. दे डू नॉट हैव एनी कैनाइन टीथ. देयर इंसीजर ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. ये क्या रखते हैं, इनका जो मोस्ट क्या रहेंगे, ये हर्बीवोरस रहेंगे और ये प्लांट मटेरियल जैसे सीड्स हो गया, प्लांट्स हो गया, उनके ऊपर ये रहते हैं. इनके पास में कोई कैनाइन टीथ जो होता है वो नहीं रहता है और ये क्या करते हैं, इनका जो इंसीजर टीथ जो होता है ये क्या करता रहता है, थ्रू आउट लाइफ इनका बढ़ता रहता है. ये डेली कुछ ना कुछ ये सेंटीमीटर्स में जो होता है ये बढ़ता है. क्यों, क्योंकि तभी उसको कुतरने के लिए ये क्या करते हैं, जो अपने दांत को घिसने के लिए किसी ना किसी चीज़ को ये कट करते रहते हैं. टाइप्स ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. रेड्स आर जनरली लॉन्ग टेल्ड रोडेंट विद प्रोमिनेंट लार्ज आइज. जो रेड्स होते हैं जनरली लंबा उनका टेल रहता है उसके ये रोडेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके जो आइज जो होती हैं वो कैसी रहती हैं, लार्जर रहती हैं, प्रोमिनेंट आइज रहती हैं, चमकती रहती हैं. इन इंडिया ब्राउन रेड्स आर वेरी कॉमन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन रेड्स. जो इंडिया के अंदर जो रहता है वो ब्राउन रेड्स रहते हैं, वो मेनली कॉमन रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये ब्राउन कलर के रेड्स होते हैं, ये इसलिए कॉमन रेड्स के नाम से जानते हैं. हेमिस्टर क्या होता है, स्पेशली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर हेमिस्टर आर मोस्टली कॉमनली कैप्ट एज पेट्स. जो वेस्टर्न रीजन होते हैं, वेस्टी हेमिस्फीयर है, उसमें क्या रहता है, जो हेमिस्टर जो है वो मेनली कॉमनली उसकी पेट्स की तरीके से इनको रखा जाता है. हेमिस्टर आर फाउंड इन अ वाइडर वेराइटी ऑफ कलर्स एंड पैटर्न कंपेयर टू द रिलेटिवली प्लेन अपीयरेंस ऑफ ए रेड. जो हेमिस्टर होते हैं ये वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स के मिलते हैं, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं और ये प्लेन अपीयरेंस
डिफरेंस रहता है इनका रेट के कंपैरिजन में। माउस क्या रहता है, माउस इज ए स्मॉल रोडेंट। माउस जो है ये एक स्मॉल रोडेंट होता है। करेक्टरिस्टिकली माइस आर नोन टू हैव ए पॉइंटेड स्नॉट, स्मॉल राउंडेड ईयर्स, अ बॉडी लेंथ स्केली टेल एंड ए हाई ब्रीडिंग। जो माउस होता है वो कैसा रहता है, ये उसका जो स्नाउट पोर्शन होगा वो कैसा रहेगा, पॉइंटेड, आगे का पोर्शन इसका पॉइंटेड रहता है, और उसके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और राउंडेड रहते हैं, और उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी रहती है, लेंथी रहती है, उसकी टेल जो रहती है वो स्केली रहती है, और इसकी क्या रहता है, हाई ब्रीडिंग रहेगी, मतलब ये हाई ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट वन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वन पेयर ऑफ इंसीजर इन ईच जॉ अपर एंड लोअर। इनका जो इंसीजर टीथ रहता है वो एक एक रहता है अपर एंड लोअर जॉ में। इंसीजर ग्रो कंटिन्यूसली, और इनका जो इंसीजर टीथ होता है वो लाइफ लॉन्ग ग्रो करता है। इंसीजर लेक इनेमल ऑन द बैक ऑफ द टूथ। इनका जो इंसीजर में रहता है इसमें जो इनेमल पोर्शन रहता है वो कम रहता है, एंड आर बॉर्न डाउन विद यूज़, और ये जब यूज़ करना होता है तो ये नीचे खिसक जाता है। अ लार्ज गैप बिहाइंड इंसीजर, इनका जो इंसीजर टीथ होता है उसके बीच में दूसरे टीथ के बीच में उसमें लार्जर गैप प्रेजेंट रहता है। नो कैनाइन टीथ इनके अंदर, रोडेंट्स के अंदर कैनाइन टीथ जो होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स जॉ मस्कुलेस, उनका जो मस्कुलेचर सिस्टम रहता है जॉ का वो कैसा रहता है, मोर कॉम्प्लेक्स रहता है। वैक्यूलरम, इसकी जो पेनिस बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूलम बोलते हैं। नेक्स्ट वन, पोर्टल ऑफ एंट्री, इनका क्या रहता है पोर्टल ऑफ एंट्री। रेड्स एंड माइस आर नोन टू कैरी मैनी डिजीज। जो रेड्स और माइस होते हैं ये बहुत सारी डिजीज को कंटेन करते हैं। दिस डिजीज कैन स्प्रेड टू पीपल डायरेक्टली थ्रू हैंडलिंग ऑफ रोडेंट्स। ये डिजीज कंडीशन जो होती हैं ये डायरेक्टली पीपल को ये पहुँच सकती हैं, कॉन्टेक्ट विद द रोडेंट फीकस। अगर कोई भी पर्सन जो फीकस की पूप के संग में कॉन्टैक्ट में आता है, मतलब फीकल मटेरियल के संग में कॉन्टैक्ट में आएगा, रोडेंट की यूरिन के कॉन्टैक्ट में आएगा, सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आता है, सच एज द थ्रू ब्रीदिंग इन एयर, ईटिंग फूड दैट इज कंटामिनेटेड विद रोडेंट वेस्ट। सच एज क्या हो गया, अगर कोई भी ये जो रोडेंट है वो ब्रीद कर रहा है उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, या फिर उन्होंने कुछ भी खाया हुआ है, कोई भी चीज़ जैसे कुछ भी रखा है अगर मैं उसको, उसने खाने वाली चीज़ के उसने खा लिया है तो उसके उसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है कोई भी पर्सन, तो ये जो है वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, अगर सपोज उसको कोई भी डिजीज कंडीशन उसके प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट वन, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट करता है, रोडेंट्स सच एज द रेड्स, माइट्स एंड चिपमंक्स आर नोन टू कैरी मैनी डिजीज। जो रोडेंट्स होते हैं, माइस हो गया, चिपमंक्स हो गया, ये क्या कहते हैं, ये बहुत सारी डिजीज को कैरी करते हैं। डिजीज कैन स्प्रेड टू पीपल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट फ्रॉम द रोडेंट। ये जो डिजीज कंडीशन होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू पहुँच सकती है पर्सन में, अगर रोडेंट के कॉन्टैक्ट में अगर वो डायरेक्टली आ गया या इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आया। सपोज दैट जो रोडेंट है उसने कुछ भी खा के डाला था, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने खा लिया, तो ऐसे करके भी ये डिजीज कंडीशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकती है। द फॉलोइंग डिजीज दैट स्प्रेड बाय रोडेंट, जो रोडेंट जो है वो कौन कौन से डिजीज कंडीशन सपोज ये फैला सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया हंटा वायरस, हो गया हंटा वायरस, पल्मोनरी सिंड्रोम हो गया, हीमोरेजिक फीवर विद द रीनल सिंड्रोम हो गया, लासा फीवर हो गया, लैप्टोस्पायरोसिस हो गया, ल्यूजो हीमोरेजिक फीवर हो गया, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस हो गया, मंकी पॉक्स डिजीज। ये सारी जो डिजीज कंडीशन है ये किससे स्प्रेड होती हैं, ये रोडेंट से स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे डिजीज़ को, हम इसको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के थ्रू डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो है ये इसके अंदर जो है वो कौन से रोडेंट ने डिजीज़ किया है। सेरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, कंटिन्यू विद द प्राइमरी मीन्स टू टेस्टिंग रोडेंट कॉलोनीज फॉर एक्सपोजर टू ऑल वायरस एंड ए फ्यू बैक्टीरिया। इसमें हम टेस्ट करके देखेंगे सेरोलॉजिकल टेस्ट में कि किस रोडेंट ने डिजीज़ कॉलोनी जो है वो बनाई है, मतलब किस ग्रुप की कॉलोनी है, बैक्टीरिया कंटेन कर रहा है, वायरस कंटेन कर रहा है, कौन सा रोडेंट वो था, तो इससे हम पता लगाते हैं। एलिजर टेस्ट करते हैं, इसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे करते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस है। ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें हम टेस्ट करके देखेंगे कि क्या जो है उसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन, अगर रोडेंट्स जो हैं उनको पहले से ही हम कैसे प्रिवेंट करके रख सकते हैं कि वो हमारे को डिजीज कॉज ही ना करें।
Keep food and water covered and store in rodent proof containers. A rodent proof container is made up of thick plastic, glass or a metal and has a tight fitting lid. जो हमें फूड और वाटर को कवर्ड करके रखना है रोडेंट प्रूफ कंटेनर में, जिसको रोडेंट जो है वो काट ना सके, और उसको हमें ऐसा कंटेनर यूज़ करना है जो कि थिक प्लास्टिक का बना हुआ, क्योंकि जो आजकल रोडेंट्स होते हैं उनका टीथ इतना, जो इंसीजर टीथ होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्लास्टिक को भी कट कर लेते हैं। तो हमें जो मेटल है वो हमें एकदम टाइट यूज़ करना है कि वो रोडेंट जो है वो काट ना पाए, जैसे कि स्टील वगैरह हो गया। कीप पेट फूड कवर्ड एंड स्टोर्ड इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर, अलाउ पेट ओनली इनफ फूड टू फॉर ईच मील, देन स्टोर और थ्रो आउट ऑफ रिमेनिंग फूड, डू नॉट लीव एक्सेस पेट फूड और वाटर आउट ओवर नाइट। हमें क्या करना है, जो अगर हमारे घर में कुछ एनिमल वगैरह पैट वगैरह है तो उसका जो खाना है उसको हमें क्या करना है, कवर करके रखना है, उतना ही यूज़ करना है जितना उसको एक बार में दे सकें, बाकी मटेरियल को हमें रीपैक करके रख देना है। अगर कुछ भी एक्सेस जो फूड या वाटर हो गया है उसको ओवरनाइट के लिए हमें नहीं छोड़ना है। डिस्पोज ऑफ गार्बेज ऑन ए फ्रिक्वेंट एंड रेगुलर बेसिस, इफ स्टोरिंग ट्रस एंड फूड वेस्ट इन साइड द होम, डू नॉट सो इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर। हमें क्या करना है, हमें जो गार्बेज वगैरह जो भी हो जाता है हमें रेगुलर बेसिस पे उसको डिस्पोज करके रख देना है, और जो भी हमें क्या करना है वो हमें ट्रस बिन्स वगैरह, डस्टबिन वगैरह जो होती हैं उनके अंदर, जो कि कैसी हों, रोडेंट सेफ हो, मतलब उसके अंदर रोडेंट जो है वो ना घुस सके, ऐसे कंटेनर्स में हमें उनको भर के रखना है। नेक्स्ट वन, वॉश डिशेस पैंस एंड कुकिंग यूटेंशल इमिडिएटली आफ्टर यूज़। हमें डिशेज जो हो गया, पैंस, कुकिंग यूटेंसिल जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हमें तुरंत के तुरंत वॉश करके रखने हैं। रिमूव लेफ्ट ओवर फूड एंड क्लीन अप ऑन स्पिल्ड फूड फ्रॉम द कुकिंग एंड ईटिंग एरियाज। हमें जो भी खाना रिमेनिंग रह गया है उसको हमें तुरंत का तुरंत हटा देना है, और जो भी अगर कुछ फैला वगैरह है ईटिंग एरिया पे उसको हमें तुरंत क्लीन कर देना है। डू नॉट स्टोर एम्प्टी कैंस एंड ओपन कंटेनर विथ फूड रेजिड्यू इनसाइड द होम। हमें जो भी कैंस वगैरह हैं, ओपन कंटेनर्स हैं, वो हमें घर में ऐसे पड़े नहीं छोड़ने हैं। अगर उनका कोई फूड वगैरह है तो वो हमें एडिक्वेट प्रॉपर प्लेस पे रखना है, और उनको हमें जो लिड वाले कंटेनर आते हैं और जिनका स्ट्रांग लिड होता है उसमें हमें पैक करके रखना है। व्हेन पॉसिबल यूज़ स्प्रिंग लोडेड ट्रैप्स इन द होम एंड आउटसाइड बिल्डिंग। हमें जो ट्रैप होते हैं जिसमें चूहा जो वगैरह फंस जाते हैं उनके अंदर, रोडेंट जो होगा वो फंस जाएगा उनके अंदर, वो हमें यूज़ करना है कि उसमें अगर कहीं रोडेंट है तो उसमें जो है वो उसके अंदर चला जाए। अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, अपने घर के बाहर भी रख सकते हैं। डिस्पोज ऑफ डेब्रिस एंड ट्रस एज सून एज पॉसिबल। हमें जो भी डेब्रिस और ट्रस रह गया है उसको हमें जल्दी से जल्दी उसको हमें डिस्पोज करना है। स्टोर गार्बेज इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर विथ टाइट फिटिंग लिड्स। हमें जो गार्बेज है ऐसी जगह पर स्टोर करके रखना है जो कि कंटेनर जो हो उसका फिट लिड जो हो वो एकदम टाइट फिटेड हो, जिसको रोडेंट वगैरह ना ओपन कर पाए। स्टोर ग्रेन्स एंड एनिमल फीड इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर। हमें जो ग्रेन और एनिमल फीड है जो भी यूज़ करते हैं हम अपने घरों में एनिमल को फीड कराने के लिए, खुद के खाने के लिए, उसको हमें रोडेंट प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखना है। रिमूव एनी फूड सोर्सेस इंक्लूडिंग एनिमल कारकेसेस एंड माइट अट्रैक्ट रोडेंट। जो हमें फूड वगैरह घर में यूज़ करते हैं, एनिमल कारकेसेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसको हमें ऐसे जो है वो पैक करके रखना है, और ऐसा कोई भी फूड सोर्स है जो रोडेंट जो है वो खा सकते हैं उसको हमें लिड टाइट लिड फिटेड कंटेनर्स में हमें उसको पैक करके रखना है।